हेलो एवरीवन, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेस वेक्टर के बारे में। तो फेस वेक्टर होते हैं द वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरियल सेल बाय इंजेक्टिंग देयर डीएनए इनटू दीज सेल। ऐसे वायरसेस जो अटैक करेंगे बैक्टीरिया सेल पे वह इंजेक्टिंग अपने डीएनए को इंजेक्ट करके बैक्टीरिया के सेल्स में, ठीक है। तो दीज फेजेस विच हैज़ बीन एक्सटेंसिवली मॉडिफाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लोनिंग वेक्टर आर हमारे पास कौन कौन से है, एक लैम्डा है और दूसरा M13। दो हमारे पास फेज वेक्टर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैम्डा फेज वेक्टर के बारे में। तो जो हमारा ये लैम्डा फेज वेक्टर है, ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है विथ 48,502 बेस पेयर है इसमें, ठीक है। इन विच 12 बेसिस एट ईच एंड आर अनपेयर्ड। उनमें से 12 बेसिस जो हैं वो अनपेयर्ड हैं बट कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। वन एंड है, उसके एक एंड पे हमारे पास 5' है और दूसरे पे 3' है। 5' के हमारा सीक्वेंस है GGC, CGG, GC, GAC, CT, ठीक है। और दूसरे एंड पे हमारा है 3' एंड, उस पर हमारा CCC, GCC, GCT, GGA, ठीक है। दीज टू आर रेफर्ड एज CES साइट, मतलब कोहेंसिव एंड साइट्स, ठीक है। दीज साइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर पैकेजिंग डीएनए इनटू फेज हेड। ये जो साइट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारी ये वाली साइट और ये वाली साइट जो इम्पोर्टेंट है पैकेजिंग डीएनए इनटू फेज हेड, ताकि हम अपने जो डीएनए उसको पैक कर सकें फेज हेड में, ठीक है। द लैम्डा जीनोम रिमेन लीनियर इन द फेज हेड बट विथ इन ईकोलाई सेल द टू कोस एंड ज्वाइन टू फॉर्म अ सर्कुलर मोलिक्यूल नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन। जो लैम्डा जीनोम है वो लीनियर रहता है फेज हेड में, पर जो हमारा ईकोलाई सेल है उसमें ये सर्कुलर मोलिक्यूल बना देता है जो कि नेसेसरी है एप्लीकेशन के लिए। दीज वैक्टर्स एलो क्लोनिंग ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट अप टू 32 केबी। केबी मीन्स किलो बेस। 1 किलो बेस हमारा किसके वो इक्वल होता है 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग बेस सीक्वेंस के, ठीक है। अ लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ लैम्डा फेज डीएनए इज नॉट असेंशियल फॉर लाइटिक इंजेक्शन ऑफ ईकोलाई। एक लार्ज सेंट्रल पोर्शन जो है हमारा लैम्डा फेज का डीएनए इज नॉट असेंशियल फॉर लाइटिक इंजेक्शन ऑफ ईकोलाई। ईकोलाई मतलब बैक्टीरिया सेल के लाइटिक इंजेक्शन के लिए असेंशियल नहीं है, ठीक है। दिस पोर्शन इज रिप्लेस बाय फॉरेन डीएनए। उसका जो ये पोर्शन है उसको रिप्लेस कर देंगे हम किसी और डीएनए से जो हमारा ईकोलाई बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इसकी टेल और ये लैम्डा फेज है, ठीक है। ये है सर्कुलर डीएनए ईकोलाई का, जो हमारा ईकोलाई है बैक्टीरियल सेल उसका सर्कुलर डीएनए है। यहाँ पे वही सीक्वेंस आ गया, यहाँ पे ये 5' एंड, यहाँ पे 3' एंड, यहाँ 3' एंड और यहाँ पे 5' एंड। तो ये इस तरह से ये आपस में ये इनकी साइट है कोहेंसिव साइट। इस पॉइंट पे जो है कोई और फॉरेन डीएनए आके अटैच होगा, ठीक है। ये था हमारा छोटा सा फेस वेक्टर लैम्डा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।